हेलो दगड़ियो, कौन छो तुम? ठीकी वेला तुम? मैं भी तुम तक के सवाल पूछूं, ठीकी वेला है ना? तो स्वागत है तुम्हारे मेरा चैनल सुनीता उत्तराखंड में। बड़ों ते मेरा नमस्कार, छोटों ते मेरा ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? होपफुली आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। तो मेरी वीडियो आजकल कम आ रही है, उसका कारण यही है कि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है। तो ये वीडियो मैंने काफ़ी टाइम पहले शूट करी थी आप लोगों के लिए, बट मैं अपलोड नहीं कर पाई, तो आज मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ। तो प्लीज़ अपना प्यार दीजिए इस वीडियो को। और इसमें मैंने बनाया है मूली और गाजर का अचार, तो उसके लिए मैंने ये मूली ली है। और मूली काफ़ी अच्छी आ रही है आजकल मार्केट में, और मीठी भी है, बल्कि कच्चे खाओ तो और भी अच्छे लगते हैं। लेकिन मेरे को मूली का अचार भी बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा मैं मूली का अचार बना लेती हूँ। हेल्दी भी होता है और घर के बनी हुई चीज़ तो कोई भी अच्छी लगती है खाने में। तो बस इसीलिए मैं यहाँ पे मूली को साफ़ कर रही हूँ। तो मैं धूप में ले आई थी ऊपर छत पर, मैंने कहा छत पर ही साफ़ हो जाएगी और छत पर ही काट वाट के रख देंगे। तो बस मूली भी अच्छी है, बड़ी बड़ी मूली थी, और बस वही साफ़ कर रही हूँ मैं। तो वीडियो मेरी कम आ रही है और मैं आप लोगों को कमेंट भी कम कर पा रही हूँ, तो इसलिए उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा कमेंट भी बराबर करूँगी, और आजकल कमेंट मेरे बहुत कम हो पा रहे हैं किसी के लिए भी। कुछ कर पा रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो ये मूली मैंने अच्छे से छिल दी है यहाँ पर, और बस अब इसको कट करके रख लेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मूली सारी काट ली है, और इस तरीके से थोड़े से लंबे लंबे से इसके पीसेस करने हैं हमने, बिल्कुल छोटे नहीं करने, क्योंकि ये एक दो बार धूप लगने के बाद गल जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने मूली काट ली है यहाँ पे, और साथ में ही मैंने गाजर भी काटे हैं, और बाद में मैंने हरी मिर्च भी काट ली थी इस पर, वो मैंने दिखाई नहीं। सो फ्रेंड्स, हम मूली का अचार बनाने जा रहे हैं, मूली गाजर और उसमें हरी मिर्च। तो उसके लिए चाहिए हमें यहाँ पे सूखा धनिया, जो मैंने लिया है सूखा धनिया, मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है जीरा, और ये लिया है मैंने सरसों के मोटे दाने, और थोड़ी सी मैंने मेथी ली है यहाँ पे, और यहाँ पे लिया है मैंने ये कश्मीरी मिर्च, और कलर बहुत अच्छा देता है इसलिए, और हल्दी ली है, और मैंने नमक लिया है, और मैंने यहाँ पे थोड़ी सी लाल मिर्ची भी ली है थोड़ा तीखेपन के लिए, और थोड़ा सा मैंने लिया है हींग, ताकि हींग डाइजेशन को अच्छा रखता है इसलिए। और यहाँ पे हमारी मूली सारी ड्राई हो गई थी, धूप में रख दी थी मैंने 2 दिन। तो अब आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं, और सबसे पहला प्रोसेस है हमारा ये, इन मसालों को हमने यहाँ पे कढ़ाई गर्म कर दी है, और इन सबको हम थोड़ा सा यहाँ पे रोस्ट कर लेंगे। ज़्यादा भी नहीं भूनना है इनको, हल्का सा भूनना है। तो इनको हम यहाँ पे भून लेते हैं। इनको हल्का ब्राउन करेंगे इनको। तो इन पे एक अहद खुशबू सी आने लगी है, तो मतलब ये हल्के हल्के भुन गए हैं। तो हमने ज़्यादा नहीं करना, हल्का सा गर्म करना था बस। सो फ्रेंड्स, इसमें है सरसों का तेल, और सरसों का तेल अभी कढ़ाई पे मैंने ये मसाले सारे भुने थे, तो मसाले तो मैंने निकाल दिए हैं क्योंकि हल्के ब्राउन हो गए, और कढ़ाई है गर्म, इसमें हम तेल डाल देंगे क्योंकि बिना तेल के तो अचार बनेगा नहीं। तो तेल को हल्का सा गर्म कर लेंगे, सरसों का तेल है, तो अभी ये मत बोलना ज्यादा तेल है, क्योंकि अभी तो मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, बाद में मेरे को जितना चाहिए होगा मैं उतना यूज करूंगी, तो फिलहाल तो मैं इतना ही डाल रही हूँ बस। ये हल्का सा इसमें गर्म हो जाएगा, और मैं बल्कि गैस भी बंद कर रही हूँ, गैस भी बंद कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा यूं हीट करके इसको बंद करके, उसके बाद ही अपने आप ही होता रहेगा जब तक अचार बनेगा, अपने आप ही तैयार हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब ये मसाले हम इसमें ग्राइंड कर लेते हैं, तो अब इसे झट से ग्राइंड कर देंगे। सो फ्रेंड्स, ये पिस गया है, और मैंने बिल्कुल बारीक नहीं करा, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा रखा है मसाले को, और बहुत खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है घर के मसाले की। सो फ्रेंड्स, अब ये यहाँ पे मैंने पतीले में ले लिया है सारा, क्योंकि ज्यादा था, तो अभी सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे।
और ये होममेड अचार बन रहा है और बहुत ही टेस्टी और बहुत लाजवाब बनेगा ये, क्योंकि घर के मसाले और घर के जो भी चीज हम घर से बनाते हैं वो बहुत टेस्टी होती है, वही आप ये मसाले अगर रेडीमेड लाओगे तो उतना स्वाद नहीं आता। तो इसीलिए मैं अच्छे से निकाल रही हूँ, कहीं पर रह ना जाए और मेरा मसाला बच ना जाए, इसमें सोच रही सारे निकाल लूं। तो अब ये जो मसाले हैं सारे, ये भी हम इसी में डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ले लेना। और अब ये तेल है जो मैंने गरम करके ठंडा कर लिया है, ये हम इसमें डालेंगे। ये सारा तेल मैंने इसमें डाल दिया है। अब आपको ये मिक्स कर लेना है, चाहे तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, और मैं इसको करछी से मिक्स कर रही हूं, इससे तो इससे मैं मिक्स कर लूंगी अच्छे से। तो फ्रेंड्स ये अच्छे से मिक्स कर लेना है, इस तरीके से अच्छे से मिक्स करना है इसको। और फिर भी आपको तेल वेल कम लगे तो तेल तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, तेल वगैरह। सो फ्रेंड्स मैं अब थोड़ा सा सिरका डाल रही हूँ, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डालूंगी। सच बताऊं तो मैंने कभी सिरका यूज नहीं करा, लेकिन मैं जब भी किसी की वीडियो देखती हूँ वो सिरका यूज करते हैं, तो इस बार मुझे लगा मैं भी थोड़ा सा यूज कर लूँ। और आप फ्रेंड्स कलर देख सकते हैं अचार का, ये देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है ये अचार ना। आप लोग भी सोच रहे होंगे कल आप भी झट से अपने घर पे बना ले, है ना, तो जरूर बनाना, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी अचार है घर का। और बस अब मैं इसको कंटेनर में भरूंगी और आपको दिखाऊंगी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये जार लिया है, आप चाहे तो कांच का जार भी यूज कर सकते हैं, मेरे पास प्लास्टिक का पड़ा हुआ था तो बस ये यूज कर रही हूँ मैं, इसी में मैं भर दूंगी। तो फ्रेंड्स ऐसी मिर्ची लटक भी जाती है कभी कभी, इसे उठा लेना चाहिए, फेंकना नहीं है। सो फ्रेंड्स ये देखिए जार पूरा भर चुका है, और भरने के बाद बच गया था थोड़ा सा अचार, तो थोड़ा सा मैंने इस वाले जार में भर दिया है। अब मैं इसका लगा देती हूँ ढक्कन, और इसे आप धूप दिखा देना, धूप जरूर दिखाना चाहिए अचार को, और थोड़ा सा ऐसा हिला भी देना। तो ये फ्रेंड्स ये बन गया है अचार, आप देख सकते हैं। और अगर आपको मेरे हाथ का मूली गाजर और हरी मिर्च का अचार पसंद आया होगा तो प्लीज 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 लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और आप भी ट्राई करना और जरूर बनाना और जरूर खाना। बाय बाय, टेक केयर।